रीति रिवाज वाटर व्यूज, रीति रिवाज का पहला एपिसोड। और जब इसके ट्रेलर को मैंने देखा था तभी समझ में आया था मुझे कि ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी तहलका मचाने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ दिखाया ही कुछ ऐसा गया था। सो चलिए उसका मैं आज रिएक्शन देने वाला हूँ। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीति रिवाज वाटर व्यूज़ के ऊपर मैंने ऑलरेडी से एक वीडियो बनाया हुआ था। ये वीडियो दूसरी बार बनाने की यही वजह है क्योंकि काफ़ी पब्लिक ने रिक्वेस्ट की थी कि पहला वाला वीडियो कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया था, काफ़ी लॉन्ग भी हो गया था वो। सो मैं इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश की है, हालांकि ये भी लॉन्ग हो सकता है लेकिन थोड़ा रखने की मैंने कोशिश की है ताकि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ हमें 5 कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है भगत राम, उसके बाद शांता, मीना, माया, प्रकाश उर्फ पकिया। बस ये सब हमें कहानी में देखने को मिलते हैं। अब कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर काफ़ी ही पारंपरिक यानी कि बहुत ही ओल्ड समाज की कहानी यहाँ पर दिखाई गई है। जब गांव में लाइट की सुविधा नहीं थी, फिर उसके बाद गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं था, तो गांव की जो औरतें हैं उन्हें दूर 4 से 5 किलोमीटर पानी लाना, फिर उसके बाद घर संभालना, कुछ ऐसा ही हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। यहाँ पर पहले भगत राम और शांता दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, और यहाँ पर जो शांता है वो घर का सारा काम संभालती है, वहाँ पर उसे पानी भी लेकर आती है लंबी लाइन में खड़े रहकर, फिर 4-5 किलोमीटर से पानी लाना, फिर खाना बनाना, घर संभालना। सो ये सब शांता से मैनेज नहीं हो पाता था, तो शांता इसलिए अपने भगत राम को कहती कि तुम अब दूसरी बीवी कर लो, दूसरी शादी कर लो। यहाँ पर भगत राम बात मान लेता है, वो दूसरी बीवी कर लेता है, लेकिन अब उसकी दूसरी बीवी यानी कि मीना वो भी सिर्फ एक ही दिन पानी लाने के लिए जाती है तो उसके पैर में भी मोच आ जाती है। फिर उसके बाद भगत राम तीसरी शादी कर लेता है। भगत राम की तीसरी बीवी यानी कि माया वो काफ़ी मॉडर्न होती है, वो काफ़ी मॉडर्न सोच की होती है। सो यहाँ पर जो माया है वो पानी लेने का जो काम है वो काफ़ी अच्छे से निकालती है, लेकिन वो दिन ब दिन लेट करती है। वो लेट क्यों करती है? इस साले की वजह से। ये पकिया उर्फ प्रकाश ये क्या करता है, ये जो माया है उसे क्या करता है, उसे रास्ते में रोक लेता है और कहता है, उसे बहलाता है, फुसलाता है कि तुम भगत राम अब तुम्हें इस उम्र में वो सारी खुशी दे पाता है जो तुम्हें चाहिए। सो ऐसी काफ़ी सारी गंदी गंदी बातें वो कर लेता है इसके सामने, और करने के बाद अब माया को भी वही चाहिए जो उसे भगत राम नहीं दे पाता। सो ये पक्या उसके साथ रंगरेलिया मना लेता है कहीं भी झाड़ियों में। सो ऐसा ही ये क्या करता है, ये मीना के साथ करने की कोशिश करता है, लेकिन मीना उसे नहीं कहती है और उसे भगत राम को बताने की धमकी दे देती है। तो अब पक्या घबराहट में क्या करता है, मीना के ऊपर रेप कर लेता है, उसके साथ रेप कर लेता है और उसे मार देता है, मार के कई झाड़ियों में वो छुपा देता है। बट यहाँ पर भगत राम को चिंता होती है कि मीना घर क्यों नहीं आई, तो पुलिस स्टेशन में वो जाते हैं, एक रिपोर्ट लिखवाते हैं, और जब सुबह को तलाशी ली जाती है तो उन्हें मीना की डेड बॉडी मिलती है। अब मीना की डेड बॉडी को लाल गमछे से बांधा गया था, फिर उसके बाद पक्या के शरीर पर नाखून के निशान थे। सो यहाँ पर भगत राम को अंदेशा हो जाता है कि पक्या ने ही मीना के साथ रंगरेलिया मनाकर उसे मार दिया गया है, और यहीं पर कहानी को ख़त्म कर देता है। क्योंकि उन्होंने इस सीरीज़ को निकाल कर ये कहा गया है क्योंकि जो पुराने जो अंधविश्वास है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हमें आज के जीवन में भी देखने को मिलती है। सो इस वजह से मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जो सीरीज़ है उसका ट्रेलर देखकर मैं समझ गया था कि ये सीरीज़ काफ़ी तहलका मचाने वाली है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 बीवी के ऊपर इस सीरीज़ को निकाला गया था। बस वीडियो में कुछ भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहे, हैप्पी रहे और बाय बाय।